एवरीवन, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ट्रेनिंग। आई एम पुष्कराज शाकुर और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग के अंदर। अब अगर आप यहां तक इस ट्रेनिंग में पहुंच चुके हैं तो एक चीज तो मुझे क्लियरली पता लग गई है कि आप और लोगों से अलग हैं। जहां पे लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, आप कुछ स्पेशल सीखना चाहते हो। जी हाँ, आप उन लोगों की श्रेणी में हो जो लोग इस वक्त गोल ओरिएंटेड हैं, जो लोग इस वक्त एक विजन के साथ हैं कि हमें अपने लिए कामयाबी चाहिए, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर पाए, एंड उसी के लिए ये मास्टर क्लास है। यस, इस मास्टर क्लास में मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं, 7 ऑप्शंस बताने वाला हूं, 7 अपॉर्चुनिटीज बताने वाला हूं जिससे आप इस सिचुएशन में ऑनलाइन पैसा कमाना सीखेंगे। एंड यस, अगर आप उसे सीखने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो आप पैसा कमाना भी शुरू कर देंगे। तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एक चीज मैं जानता हूं, लोग तब तक, ह्यूमन बींग्स तब तक इंप्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते जब तक उनके पास एक स्ट्रांग वाई नहीं होता, एक स्ट्रांग रीजन नहीं होता, एक स्ट्रांग कारण नहीं होता। तो आप यहां पर आ चुके हैं, ये चीज क्लियरली बता रही है कि आप ऑनलाइन पैसा कमाना सीखना चाहते हैं। बट मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, कितना पैसा कमाना चाहते हैं आप इस ट्रेनिंग को लेने के बाद? कितना पैसा कमाना चाहते हो 6 महीने में? जरा सोचो, 6 महीने के अंदर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो इस ट्रेनिंग के बाद, दिमाग में सोचिए। एंड जो भी आप डिसाइड करेंगे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अभी सोचा दिमाग में कि मैं 25,000 कमाना चाहता हूं, मैं 50,000 कमाना चाहता हूं, मैं 1,00,000 कमाना चाहता हूं, या मैं 10,00,000 कमाना चाहता हूं, या मैं 10,00,000 से ज्यादा कमाना चाहता हूं 6 महीने में, ये पॉसिबल है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि वो आप चाहते क्यों? आप 10,00,000 कमा लोगे तो उसका करोगे क्या? उस 10,00,000 से करना क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही आपका वाई है, वही आपका रीजन है। तो वो रीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे जितना भी पैसा कमाना है वो पैसा क्यों कमाना है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्यों पैसा कमाना चाहते हो तो यू आर गुड टू गो टू स्टार्ट दिस ट्रेनिंग। नाउ हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को डिस्कवर करेंगे। हो सकता है कुछ ऑप्शंस के बारे में आपको पहले से पता हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना पता हो कुछ ऑप्शंस के बारे में। आपके लिए हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कंप्लीटली न्यू हो, पर आपको एक चीज समझनी है कि वक्त के हिसाब से आपको बदलना, क्योंकि अगर हमने नहीं बदला अपने आप को तो हम पीछे रह जाएंगे। देखिए, ऑफलाइन बिजनेसेस इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे हैं, और जब सब ऑनलाइन जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन छुपी हुई है। तो एक एक करके आप मेरे साथ उन ऑप्शंस को डिस्कवर कीजिए और सीखिए कि आप कैसे ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में जानते हैं, विच इज ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएशन। यस, ऑनलाइन कॉन्टेंट क्रिएशन एक बहुत ही कमाल की इंडस्ट्री है। अब ये क्या है, इसमें क्या करना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। कंटेंट वो होता है जो लोग देखते हैं, चाहे अब आप एक आर्टिकल लिखें, चाहे एक ब्लॉग लिखें, चाहे आप वीडियोस बनाएं, बट इन सब में जो सबसे स्ट्रांग है ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन के अंदर, जो सबसे स्ट्रांग इंडस्ट्री है वो है ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन इंडस्ट्री। यस, आज आपको एक फोन लेना होता है तो आप फोन के बारे में पढ़ना पसंद करते हो या यूट्यूब पर उस फोन का नाम लिखते हो और वीडियो देखते हो। आप डेफिनेटली हर चीज के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं आज की डेट में, और वीडियोस बनती जा रही हैं। 2020 में जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री को डिस्कवर नहीं किया वो डेफिनेटली पीछे रह जाएगा। चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे इंडिविजुअल ब्रांड क्रिएशन की बात करें, चाहे आप किसी भी जॉनर के अंदर हैं, आपको अगर अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने बिजनेस को हाईलाइट करना है तो वीडियोस के माध्यम से हो सकता है। रीजन, लोग क्या देखना पसंद करते हैं ये आप खुद बता सकते हैं, आर्टिकल पढ़ना या वीडियोस देखना, लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो क्यों ना हम इस इंडस्ट्री को डिस्कवर करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप वीडियोस बना के पैसा कमा सकते हो। आपको लग रहा होगा सर वीडियोस बना के पैसा? यस, किसी भी फील्ड के अंदर आप हो, किसी भी फील्ड के अंदर, उस फील्ड के ऊपर लोग जानकारी लेना चाहते हैं। अब यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो YouTube अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ एक वेबसाइट है, ना सिर्फ उस पर आके वीडियोस देखते हैं लोग,
वो अपने आप में एक सर्च इंजन है। हर टॉपिक के ऊपर लोग सर्च करते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो अगर आप वीडियोस बनाते हैं किसी भी जॉनर में, मैंने बोला, तो आप उस जॉनर की वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। आपको क्या लगता है यूट्यूब पैसा कैसे कमाता है? मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पैसा कमा रहा है एड से। यस, यूट्यूब पे हर महीने लोग हजारों करोड़ की एड चलाते हैं। वीडियोस के ऊपर आपने एड चलती हुई देखी? आपने कहा हाँ बिल्कुल देखी हमने। तो आपको क्या लगता है यूट्यूब को उससे क्या फायदा है और जो वीडियो बना रहा है उसे क्या फायदा है? मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब उसका रेवेन्यू शेयर करता है क्रिएटर के साथ। आप जो वीडियो बनाते हो वो आपके लिए डिजिटल एसेट है। डिजिटल एसेट क्या मतलब हुआ इसका? एसेट का मतलब होता है वो चीज जो आपको पैसा कमा के देती है, और आपकी वीडियो आपको पैसा कमा के देती है, इसीलिए उसे डिजिटल एसेट बोलते हैं। वो कैसे समझते हैं? अगर आप वीडियोस बनाते हो, इस टाइम पे आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करो। आप किसी भी जॉनर के अंदर, जॉनर्स क्या हो सकते हैं, हो सकता है आपको या आपके घर में किसी को खाना बनाने का शौक हो। कोई ना कोई ऐसी रेसिपी जरूर होती है जो हर किसी घर में बहुत लजीज बनती है, लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो आपको क्या लगता है लोग तारीफ करते हैं तो ऑनलाइन लोग नहीं करेंगे क्या तारीफ? लोग तो वही हैं। तो उसी की अगर वीडियो बना के हमने ऑनलाइन पोस्ट करी, तो आपकी वीडियो पे अगर ऐड चलती है वो कैसे चलती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर ऐड चलेगी तो यूट्यूब 55% रेवेन्यू ऐड का आपको देगा। एज अ क्रिएटर 55% पैसा आपको मिलेगा, 45% यूट्यूब रखता है। अब यूट्यूब के साथ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब इज एक्टिंग एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, बट क्रिएटर्स भी यूट्यूब के ऊपर लाखों इनफैक्ट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा खुद अपना YouTube चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मेरे पास मल्टीपल YouTube चैनल्स हैं हर जॉनर के अंदर। एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हम वर्क करते हैं, आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, YouTube से हर महीने मुझे लाखों रुपए का रेवेन्यू आता है। उसका रीजन क्या है? मेरी वीडियोज के ऊपर जो एड्स चलती हैं उनसे रेवेन्यू आता है। अब ये एक तरह का रेवेन्यू है। यस, अब YouTube पे एड चलती है मुझे 55% आ रहा है, ये एक तरीके का रेवेन्यू है जो मुझे YouTube से आ रहा है। इसके अलावा YouTube से अगर मैं मेजर बात करूं तो 9 तरीके हैं टोटल पैसा कमाने के, तो 8 तरीके और हैं जिससे मुझे YouTube से पैसा आता है। डेफिनेटली मुझे YouTube से लाखों रुपए आते हैं, बट जो और 8 तरीके हैं जो मेरी मेजर इनकम है वो मुझे उन 8 तरीकों से आती है। तो अगर आपने आज वीडियो क्रिएशन को समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि हम किसी भी जॉनर के ऊपर वीडियोस बना के पैसा कमा सकते हैं, तो आप वीडियोस बनाना शुरू करो। अभी मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि आपको एड से पैसे आएंगे, 8 तरीके मैं आपको और बताऊंगा जिससे आप वीडियोस बनाएंगे और आप पैसा कमाएंगे। तो आप शुरुआत करोगे तो यू विल डिस्कवर ऑल द 9 वेज, एंड वो 9 मेजर तरीके हैं। उन्हीं तरीकों के अंदर मैं आपको बोलूंगा 50 तरीके और छुपे हैं पैसा कमाने के, बट जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे आप आगे के स्टेप्स को डिस्कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन। अब फूड के अंदर आपने वीडियो बनाई, सिमिलरली मैं आपको एक चैनल का नाम बताऊंगा, निशा मधुलिका। यहां पे जो ये लेडी देख रहे हैं इन्होंने भी यही किया, इन्होंने भी खाने बनाने की वीडियो बनाई, वो भी अपने घर में, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को सुधारा और आज YouTube से इन्हें लाखों रुपए, मैंने जैसे बताया कि एड से आते हैं इन्हें आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे ये भी पैसा कमा रही हैं। तो ये YouTube मिलियनेयर बन चुकी हैं। मैं भी आपके सामने अगर बात करूं तो YouTube से आई एम ऑल्सो अ मिलियनेयर फ्रॉम YouTube। तो YouTube ने हमें एक मिलियनेयर बना दिया सिर्फ वीडियो क्रिएशन से। तो आप सोचो ये तरीका कितना पावरफुल है। अब मैंने आपको पहला तरीका बताया, इस पे आप काम कर सकते हो किसी भी जॉनर में, जैसे मैंने बोला। अब हो सकता है आप फिटनेस की बात करो, आपको जिम का बहुत शौक हो, आप एक्सरसाइज करने के बड़े शौकीन हो, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। हो सकता है आपको योगा पसंद हो, आप योगा करना लोगों को सिखा सकते हो यूट्यूब पे। आपकी वीडियोस अगर पॉपुलर होंगी, लोग देखेंगे, तो आपको उससे पैसा आएगा। हो सकता है आप कहानी सुनाने में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है आप गाना गाने में एक्सपर्ट हो सकता है आप डांसिंग में एक्सपर्ट हो सकता है आप वीडियो गेम्स खेलने में एक्सपर्ट हो, क्योंकि इन सारे जॉनर्स के ऊपर यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं जो लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहे हैं हर महीने। तो गेम खेल के भी पैसा कमाया जा सकता है। लोग पबजी खेलते हैं यूट्यूब के ऊपर, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हो मेरे भाई, आप भी आगे आओ ना।
आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बिजनेस करना सिखाना चाहते हो, आप वीडियोस बना सकते हो। हर टॉपिक के ऊपर लोग सीखने को रेडी हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब क्या चीज का आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हमारा एक लेंथी टॉपिक है, बट फिर भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर यहां पे आपको बताऊंगा। आप अगर YouTube पे वीडियो बना रहे हो तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो, वो टॉपिक सर्च होना चाहिए। तो मैं आपको शुरुआत में सजेस्ट करूंगा कि आप हाउ टू से शुरू करो। अगर आप YouTube पे सिर्फ हाउ टू लिखोगे तो आपको बहुत सारे वैसे ही सजेशंस YouTube देना शुरू कर देगा कि हाउ टू लूज वेट लोग जानना चाहते हैं, हाउ टू इंक्रीज हाइट लोग जानना चाहते हैं, हाउ टू मेक मनी लोग जानना चाहते हैं, हाउ टू कुक वट एवर यू वॉन्ट टू टीच टू पीपल लोग सीखना चाहते हैं, चाहे वो दाल मखनी हो, चाहे शाही पनीर हो, चाहे आप पनीर बटर मसाला बनाते हो, चाहे आप एप्स बनाना सिखाते हो। अब आप देखो हर चीज के ऊपर लोग हाउ टू पे सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना आप भी आज एक स्टेप लो। जो भी आपको आता है, किसी भी चीज में अच्छे हो, वो आप लोगों को सामने वीडियोस बनाइए और उससे पैसा कमाइए। अब ऑनलाइन वीडियो क्रिएशन होता है एक चीज। दूसरी चीज के ऊपर हम बात करते हैं कि आप एक यूट्यूब एंटरप्रेन्योर बन जाओ। यस, दिस इज अ सेकंड वे। अब ये यूट्यूब एंटरप्रेन्योर क्या है इसे समझते हैं। यूट्यूब एंटरप्रेन्योर से मेरा मतलब है थोड़ा सा बड़ा सोचो। वीडियोस लोग बना रहे हैं, वीडियोस आप भी बना सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा बड़ा सोचो, एक लेवल ऊपर। अगर वीडियोस देख रहे हैं लोग इतने ज्यादा, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गिटार बहुत अच्छा बजाता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो गाना बहुत अच्छा गाता है? आप क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो फैशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखता है? आप क्या इसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो घूमने फिरने का बहुत शौकीन है? और सोचिए उन सब लोगों को क्या चाहिए कि उन्हें लोग सुने। तो आप ऐसा एंटरप्रेन्योर काम करो, आप प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हो। आप उन सब लोगों के यूट्यूब चैनल शुरू करा के एज एन एंटरप्रेन्योर पैसा कमा सकते हो। आप उनके साथ उन्हें आगे बढ़ाओ एंड डेफिनेटली उन्हें बोलो कि आपका चैनल काम करेगा, ग्रो करेगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज आपको मैं इस ट्रेनिंग में सिखा रहा हूं, उन लोगों को अभी नहीं पता कि ऑनलाइन कितना पोटेंशियल है, बट आप उन लोगों को ऑनलाइन लेकर आ जाओ। एंड 55% का जो रेवेन्यू जस्ट एड से आ रहा है, उसके अलावा 8 तरीके और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब आप शुरू कर दोगे तो आप सोचिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर सोच के हम हमेशा एक स्टेप आगे रह सकते हैं। एंड मैंने एग्जैक्टली ऐसा किया। आज मैंने सैकड़ों लोगों को सिखाया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करो, आप क्या क्या कर सकते हो, कितना कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। आई एम टीचिंग पीपल एंड उसमें मैं रेवेन्यू शेयरिंग में काम कर लेता हूँ लोगों के साथ, कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा हूँ। सो हम 60-40, 70-30 पे भी काम कर सकते हैं। और सोचिए मुझे 30% भी मिल रहा है तो मुझे कुछ भी यहाँ पे कमी नहीं है किसी चीज़ की। क्यों? मेरे साथ 100 चैनल्स कनेक्टेड हैं एग्जाम्पल। तो 100 चैनल से अगर 30% मिल रहा है तो 3000%, एक चैनल से अगर 100% आता है तो 3000% ज्यादा होता है। तो ऐसा बिजनेस में हमेशा सोचो कि कितना बिजनेस पॉसिबल है ऑनलाइन एंड किस किस जॉनर में पॉसिबल है। तो जिस दिन आप ये डिस्कवर करना शुरू कर दोगे, आप उस दिन एक बड़े प्लेयर बन जाओगे एंड बड़े प्लेयर पैसा कमा रहे हैं। आप एग्जाम्पल, आपको कहोगे सर एग्जाम्पल दो आप हमें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ टी सीरीज। अब टी सीरीज आप बोलोगे सर ये तो एक बहुत बड़ा नाम है, यूट्यूब पे इनके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, बट आप समझो यूट्यूब पे जो टी सीरीज है, टी सीरीज एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से काम करता है। इंडिविजुअल यहाँ पे इंसान आके गाना नहीं गा रहा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके गाना गा रहे हैं। अब आप कहोगे सर टी सीरीज पे तो डेफिनेटली बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, सबके गाने डलते हैं, तभी टी सीरीज इतना ज़्यादा पॉपुलर है। क्योंकि टी सीरीज को पता है जब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी वीडियोस को तो बहुत ज़्यादा ऐड चलेगी और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये socialblade.com जो मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके आप किसी भी चैनल के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उनको डेली कितने व्यूज आ रहे हैं और कितना पैसा उन्हें डेली यूट्यूब से आ रहा है। तो आप टी सीरीज के बारे में तो आप कहेंगे कि हो सकता है सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा हम टी सीरीज क्रिएट करें, बट मैं आपको टी सीरीज का एक छोटा वर्जन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पहचान म्यूजिक, ये जो पहचान म्यूजिक है इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत सारे जो क्रिएटर्स थे, क्रिएटर्स इन द सेंस जो लोग गाना गाते थे, कवर सॉन्ग्स गाते थे, उन्हें इकट्ठा किया और अपने प्लेटफॉर्म पे उन्हें बोला कि आके गाना गाओ, आप भी पॉपुलर हो गए और हमारा भी प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा। अब बहुत सारे लोग जब इनिशियली इनके साथ आना शुरू हो गए तो इन्होंने क्रिएटर्स का एक प्लेटफॉर्म बना दिया एंड ये एज अ यूट्यूब एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहे हैं।
तो आप समझ पा रहे हैं कि YouTube पे कितना पोटेंशियल है। अब ना सिर्फ YouTube, अब Facebook ने भी अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है क्रिएटर्स को पैसा देने का। तो अब Facebook पे भी एड ब्रेक से आप पैसा कमा सकते हैं। यस, आपकी वीडियोस पे एड चलेगी, आपको Facebook से भी पैसा आएगा। तो वही वीडियो जो आप YouTube के लिए बना रहे हो उसे Facebook पे भी डाल दो ना, डबल मुनाफा हो गया आपको। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसी तरीके से प्लेटफॉर्म आते जा रहे हैं जो वीडियो क्रिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम वीडियो क्रिएशन का आपको आज समझना है। अब मैं आपको एक चैनल का एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए द लल्लन टॉक। इस चैनल पे एक खास बात है, ये एज अ यूट्यूब एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहे हैं। अब देखिए एक एक घंटे के अंदर कितनी कितनी वीडियोज इन्होंने डाल रखी है। एक एक घंटे में, एक दिन में ये कई वीडियोज डाल देते हैं, 30-40 वीडियोज एक एक दिन में अपलोड कर देते हैं। आपको क्या लग रहा है एक इंसान बना रहा है वीडियो? नो, इन्होंने अपने साथ कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया और एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप कर दिया, क्योंकि इन्हें पता है एड से पैसा आएगा। सो आप भी इसे समझो ना, लोग आपको ये नहीं बताएंगे, बट एज अ बिजनेस कोच मैं लोगों को सिखाता हूं कि इन डेप्थ जाओ, डिटेल में जाके जानकारी लो। ऊपर से तो जो दिख रहा है वो इनकम्प्लीट है, आपको डिटेल में जाके जानकारी लेनी है कितना कुछ पॉसिबल है। अभी तो ये सिर्फ दो तरीके हुए, अभी तो बहुत सारे तरीके बाकी हैं, तो उन्हें भी डिस्कवर कर लेते हैं। अब और क्या क्या ऑनलाइन कर सकते हो इसे समझते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन पैसा कमाने का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। यस, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम किसी के प्रोडक्ट या किसी की वेबसाइट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से क्योंकि हमने प्रमोट किया, प्रमोशन के लिए हमें कमीशन मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है, इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। अब लोग एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में इंटरनेट पे जानते तो हैं, पर उन्हें बस यही समझ आता है कि हमें पेपर लीड पैसा मिलता है, पेपर क्लिक मिलता है, हमने कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया उससे पैसा मिलता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत इनडेप्थ इंडस्ट्री है। आज मेरे साथ, यस मेरे साथ मिलके लोग एफिलिएट मार्केटिंग के साथ, मेरे ही ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से हर महीने 10-15 लाख रुपए कमा रहे हैं हर महीने। यस, इतना आप हर महीने एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो अगर आप इसे समझो। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, देखो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकते हैं आपको पता है, बट कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कराने के लिए एफिलिएट मार्केटर्स को ढूंढ रही हैं जो उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करे, सर्विसेज प्रमोट करे या वेबसाइट को प्रमोट करे, और वो पैसा देने के लिए रेडी हैं। तो आपको बहुत सारे तरीके से पैसा मिल सकता है। आपने किसी की वेबसाइट को प्रमोट करा तो आपको पेपर क्लिक मिल सकता है, पेपर क्लिक मतलब उस वेबसाइट पे जितने क्लिक आएंगे आपको पैसा मिलेगा। पेपर लीड होता है, आप किसी वेबसाइट के लिए, किसी बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर रहे हो ऑनलाइन, सिर्फ डेटा आप जमा कर रहे हो, उसका भी पैसा मिलता है। पेपर सेल, सेल्स हो जाए पैसा मिलता है। पेपर एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपके थ्रू ट्रैफिक गया, कोई इंसान गया और उसने जाके वहां पे जो भी प्रोसेस था, कुछ बाय करना था, कुछ परचेज करना था, उसने कंप्लीट कर लिया, तो एक्विजिशन हो गया, उसका आपको पैसा मिलता है। अब आपको टेक्निकल लग रहा होगा बट ये बहुत आसान है। यस, मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, क्योंकि डिटेल में तो आप जितना मर्जी जा सकते हो। आप Amazon से सामान खरीदते हैं, Amazon.com, Amazon.in इंडिया के अंदर जो है, आप Amazon.in पे जो सामान खरीदते हो, आज आप एक छोटा सा काम कर लो। वो छोटा सा काम क्या है, Amazon.com के बिल्कुल नीचे आप जाएंगे तो आपको वहां पे बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिखेगा, आप एक एफिलिएट पार्टनर बने। आप एफिलिएट पार्टनर बन गए, उसके बाद किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिंक जनरेट कर सकते हो और वो लिंक से जो भी इंसान प्रोडक्ट खरीदेगा आपको कमीशन मिलेगा। अब आपको लगेगा कि आपके आसपास तो बहुत सारे लोग Amazon से सामान खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, कोई मोबाइल खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई घर का सामान खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, तो आप क्यों ना थोड़ा सा दिमाग लगा के Amazon के थ्रू पैसा कमाना शुरू कर दो। अब वो कैसे होगा, आपको लिंक्स बनाने हैं उन प्रोडक्ट्स के जो लोग खरीदते हैं और उन्हें देने हैं। बट आप एक चीज ध्यान रखना, एफिलिएट मार्केटिंग में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपके पास एक ट्रैफिक सोर्स का होना जरूरी। मतलब आपको ट्रैफिक कहां से आ रहा है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कहां पर प्रमोट करने वाले हो। आप किसी वेबसाइट पर प्रमोट करने वाले हो, आपके पास वेबसाइट, आपके पास ब्लॉग है, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास ट्रैफिक कितना आ रहा है ये जरूर देखा जाएगा। तो Amazon तो मैंने आपको बहुत छोटा सा नाम लिया। इंडिया के अंदर वी कमीशन एक बहुत स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है, एक नेटवर्क है जिसपे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो
और आपको सैकड़ों कैंपेन्स मिल जाएंगे। लोग 1mg से दवाई खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद रहे हैं। अगर वो 1mg से दवाई खरीद रहे हैं तो वहीं पे आप एफिलिएट करके पैसा कमा सकते हो। लोग इंटरनेट पर पता नहीं कितना कुछ खरीद रहे हैं, कोई अपनी टिकट्स बुक कर रहा है ऑनलाइन, कोई होटल बुक कर रहा है, कोई कुछ सामान खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई फुटवेयर खरीद रहा है, जूते खरीद रहा है, घड़ी खरीद रहा है, पता नहीं कितना कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं लोग। बट आपको पता है आप उसमें एफिलिएट पार्टनर बनके पैसा कमा सकते हो। अब वी कमीशंस की जैसे एडमिटार्ड एक अलग से नेटवर्क है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। आप जेवी जू पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और वहां पे आपको कैंपेन्स दिख जाएंगे अलग अलग कंपनीज के। बट यहाँ पे आपको सीखना जरूरी है क्योंकि इनिशियली एक बिगनर के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी गलतियां बिगनर्स करते हैं। इसीलिए आपको हमारी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है कि आप कैसे एक सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, क्योंकि ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े नेटवर्क हैं, वो आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या करना है आपको, ये सब आपको सीखना जरूरी है। बट डेफिनेटली अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को मास्टर कर लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हो, एंड स्टार्टिंग इन जस्ट 2 मंथ्स। 2 महीने के अंदर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएंगी। यस, 2 महीने ज्यादा टाइम लगता, आप एफिलिएट मार्केटिंग में इतने प्रो बन सकते हो कि आप लाखों रुपए 2 महीने में कमाना शुरू कर सकते हो। सो एफिलिएट मार्केटिंग में वो पोटेंशियल है। तो अभी तक तो सिर्फ 3 तरीके आपने सीखे, देयर इज अ लॉट टू लर्न। यस, अब 4th तरीके की बात करते हैं, विच इज सेलिंग ईबुक्स। अब आपको लग रहा होगा ईबुक्स किताबें, यस, ऑनलाइन बुक्स के अंदर कितना पोटेंशियल है। इसका एग्जाम्पल देने के लिए मैं सबसे पहले आपको अमेजोन का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अभी हम अमेजोन की बात कर रहे थे। अमेजोन ने आपको क्या लगता है किस प्रोडक्ट के साथ शुरू किया? क्या उसने पहले ही दिन A to Z सारे प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए थे? द आंसर इज नो। अमेजोन ने शुरू किया ऑनलाइन किताबें बेच के, ऑनलाइन बुक्स बेच के, क्योंकि उसे पता है कि हर कंट्री में, हर शहर में, हर गांव में लोग किताबें पढ़ते हैं। एंड ऑनलाइन किताबें, यस, ऑनलाइन किताबें छापने की भी जरूरत नहीं है, कॉस्टिंग हो गई 0। और ऑनलाइन लोग तब भी पढ़ सकते हैं अपने फोन में, वो पढ़ सकते हैं सारा टेक्स्ट जो बुक पे होता है, उसे ईबुक बोलते हैं। तो जब अमेज़न ने ईबुक से शुरू किया तो आपको क्या लगता है ईबुक में कितना पोटेंशियल है? यस, ईबुक में आप सोच नहीं सकते कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपकी मान लो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपये की किताब है, 200 रुपये की किताब है, और 200 रुपये की किताब को आप 1,000 लोगों को सेल कर देते हो, तो आपने 2,00,000 रुपये कमाए। अब आपको लग रहा होगा सर 200 रुपये की किताब को 1,000 लोगों तक सेल कैसे करना है, ये भी आप बता दो। अब मैं आपको बोलूंगा amazon.com पर जाके ही आप अपने आप को, अब amazon की एक सिस्टर कंपनी जिसे हम बोलते हैं किंडल पर जाके आप अपनी ईबुक को रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे अपनी ईबुक को आपने रजिस्टर करा, अब ईबुक का मतलब डेफिनेटली हुआ कि आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी। बट यहां पे चीजें रुकती नहीं है। आपको अगर किताब आप डेफिनेटली लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आप नहीं भी लिख सकते तो आप गोस्ट राइटिंग करा सकते हो। गोस्ट राइटिंग का मतलब होता है कि आपने नहीं लिखी, आपके लिए कोई और लिख देता है। तो वो कैसे हो सकता है, अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता रहा हूं, freelancer.com, Fiverr, इनसे आपको कॉन्टेंट राइटर्स मिल जाएंगे जो आपके लिए किताब लिख देंगे पूरी की पूरी। तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि किस टॉपिक के ऊपर आप लिखवाना चाहते हैं। आपको डेफिनेटली उन्हें पैसे देने पड़ेंगे कि आप जो भी किताब लिखवाना चाहते हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर। तो आप रिसर्च करिए कि इंटरनेट पे इस वक्त कौन सी किताबें किस जॉनर के ऊपर लोग देखना पसंद कर रहे हैं, एंड सिमिलरली आप किताब लिख सकते हो, लिखवा सकते हो। आपको डेफिनेटली किसी भी टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज है तो अपनी किताब आप खुद लिखो, उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। बट मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप लिखवा भी सकते हो। अब इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कॉपीराइट फ्री किताबें भी, यस, कॉपीराइट फ्री किताबें भी होती हैं कि उन किताबों के ऊपर कॉपीराइट नहीं होता। अब 1920 से पहले किसी भी किताब पे कॉपीराइट था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले जितनी भी किताबें लिखी गई हैं कॉपीराइट आया 1920 के बाद है। तो 1920 के बाद जो किताबें लिखी हैं उन पे डेफिनेटली लोगों ने अपने कॉपीराइट लिए हुए हैं, बट उससे पहले की किताबें कॉपीराइट ही नहीं है। तो आप सोचिए अभी तक इतिहास में कितनी लाखों किताबें लिखी जा चुकी हैं जिन पे कॉपीराइट ही नहीं है। आप उन किताबों को रीफ्रेम कर सकते हो और डेफिनेटली आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो, पैकेज बना सकते हो। आपने लेट से 5 बुक्स का पैकेज बनाया सिर्फ 300 रुपये का, पर 1,000 लोगों को बेच दिया। तो 1,000 लोगों को कैसे बेचना है ये आपको जरूर सीखना है, एंड आई एम हेयर टू टीच यू। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बेच सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपने अपनी किताब लिख ली, अब उसके बाद आपने डेफिनेटली
अभी स्टार्टिंग में वीडियो क्रिएशन को समझा, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाई कि आपने किताब में कितना कुछ सिखाया हुआ है। अब लोगों ने उस वीडियो को देखा, उसके बाद जाके आपकी बुक ले ली, और आप उसी वीडियो पे थोड़ी सी एड चला सकते हो। फेसबुक के ऊपर आप एड चला सकते हो, आप यूट्यूब पे एड चला सकते हो एडवर्ड्स के थ्रू। तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है एडवर्ड्स, जिस पे आप कैंपेन सेट करो, थोड़े से पैसे लगाओ, लोग वीडियोस देखेंगे और आपकी किताब बिक जाएगी। एंड ये पूरा का पूरा स्टेज, पूरा का पूरा फनल आप क्रिएट करके पैसा कमा सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कितना पोटेंशियल है ऑनलाइन, अनगिनत वेज है, बस लोगों को पता नहीं होते। बट आपको सिखाना, यहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी कि आप सीखो और आप पैसा कमाओ। देखो, कुछ करना जरूर पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट ये मैं आपको ना शॉर्टकट्स बता रहा हूं कि अगर जल्दी करना है तो ऐसे कर लो। अब ईबुक्स के अंदर ही ऑडियो बुक्स भी होता है। ऑडियो बुक क्या होता है, अब Amazon का ही अगेन एक और प्लेटफॉर्म है ऑडिबल, जो आपने किताब लिखी उसी की ऑडियो बुक, मतलब उसे अपनी आवाज में ही आप खुद भी बोल सकते हो, किसी और से भी बुलवा सकते हो। आप उस किताब को आप पढ़ के एक कहानी की तरह सुना दो, आप एक घंटे डेढ़ घंटे के अंदर पूरी की पूरी किताब को खत्म कर सकते हो, दो घंटे तीन घंटे जितनी भी आपकी बुक की लेंथ है, और वो दो तीन घंटे की आपकी एक बार की मेहनत आपको जिंदगी भर पैसा कमा के देगी। यस, आपको जिंदगी भर पैसा कमा के देगी। तो आपको डेफिनेटली, आप ऑडिबल पे किंडल पे रजिस्टर कर सकते हो, Amazon अपना रेवेन्यू शेयर जरूर लेगा, बट आप वहां पे डिसाइड कर सकते हो कि आप अपनी बुक को कितने का बेचना चाहते हो, कितना पैसा आप कमाना चाहते हो, टोटली अप टू यू। अब मैं आपको तरीके बता रहा हूं, करना आप ही को। अब इसके अलावा आपको लग रहा होगा, सर और बताइए, सर आपने चार तरीके बता दिए, कमाल हो गया, हमारा दिमाग एक्सपैंड हो रहा है। अब आपको पांचवा तरीका बताता हूं। आप जहां पे ऑडियो क्रिएट कर रहे हो, आप वहीं पे उस कंटेंट का एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। अब वीडियोस में बहुत पावर है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप सोचिए, आपने वीडियो क्रिएशन सीखा, वीडियो क्रिएशन के बाद आपने सीखा कि आप ऑनलाइन कोर्स कैसे बना सकते हो, आपने उसको ऑनलाइन कोर्स बना दिया। आपने एग्जाम्पल फिटनेस के ऊपर अपनी किताब लिखी थी कि आप कैसे अपने पेट को कम कर सकते हो और कैसे अपनी फिटनेस को रीगेन कर सकते हो, यह आपने किताब लिखी थी। आपने ये किताब की ऑडियो बुक भी बना दी और आपने इसके वीडियोस बना दिए इन अ फॉर्म ऑफ अ कोर्स, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल ट्रेनिंग, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कोर्स कैसे बनाते हैं, बट आपने कोर्स बना दिए। और मैं अब आपको प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूं, ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स है, यहां पे जाके अपने कोर्स को रजिस्टर कर दो और वहां पे अपना प्राइस सेट कर लो। रेवेन्यू शेयरिंग पे डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म्स काम करेंगे, बट आपको पैसिव इनकम देंगे। यूडेमी नंबर वन वेबसाइट है पूरी दुनिया में, आप यहां पे जाके अपने कोर्स को रजिस्टर करो और वहां पे अपना कोर्स पूरा अपलोड कर दो, अपना प्राइस सेट करो और उसके बाद पैसा आना शुरू। हाँ, प्रमोट आप करोगे अपने सर्कल में, प्रमोशंस डेफिनेटली आपको मास्टर करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्किल शेयर पे अपना कोर्स रजिस्टर करो, आपको पैसा मिलेगा। तीसरा तरीका teachable.com और ऐसी अनगिनत वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट पे थोड़ा सा डालोगे गूगल पे कि आपको ऑनलाइन कोर्स सेलिंग वेबसाइट्स, आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, आप सब पे जाके अपना एक ही कोर्स रजिस्टर कर दो। कभी आपका कोर्स यूडेमी से बिक जाएगा, कभी आपका स्किल शेयर से बिक जाएगा, कभी आपका टीचेबल से बिक जाएगा और आपको पैसा आएगा। आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं? आप एग्जाम्पल, आपका कोर्स ज्यादा महंगा नहीं, आपका कोर्स सिर्फ 2000 रुपए का कोर्स है, 3000 रुपए का कोर्स है, बहुत सस्ता कोर्स है। आप 3000 रुपए का कोर्स 100 लोगों को दे देते हो, सिर्फ 100 लोगों को, तो आपने 3 लाख रुपए कमा लिए, 3 लाख रुपए आपने कमा लिए। आप समझ पा रहे हो कि ऑनलाइन पैसा कमाना आसान है, बस लोगों को पता नहीं होता। आपको आज पता लग रहा है क्योंकि आपको डायरेक्टली पुष्कर राज शाकुर से खा रहे हैं, हाउ यू कैन डू दैट, आई एम टीचिंग यू, बिकॉज सी आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। मैंने खुद ऑनलाइन कोर्स इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए का टर्नओवर जनरेट किया, इसीलिए मैं आपको सिखा सकता हूं। देखो, मैंने जितना भी कुछ लाइफ में किया है ना, मेरा एक ही उसूल है, अगर मैं कामयाब बन गया तो मैं आपको कामयाब बनाऊंगा। आज मैंने किसी फील्ड को समझ के, उसमें काम करके, एक्सपीरियंस लेके पैसा कमाया, मुझे लोगों को सिखाना है, क्योंकि मुझे पता है आपको ना बातें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, सिखाने वाले आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि लोगों ने किया नहीं होता, उनके एक्सपीरियंस नहीं होते। एंड अगर आपको एक एक्सपीरियंस इंसान अगर जिंदगी में कभी भी कुछ सिखाए, तो आप वहां पे तुरंत सीखना शुरू कर देना, क्योंकि आपने सीखना शुरू कर दिया तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं, सीखना बंद तो जीतना बंद, और अगर आपने सीखना कंटिन्यू रखा तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकते। आज मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको छठा तरीका बताता हूं पैसा कमाने, ऑनलाइन ब्रांड क्रिएशन। आपको क्या लगता है,
कॉफी की कीमत वो 30 रुपए ही है, 30 रुपए की कॉफी है, बट स्टारबक्स के लोगों के साथ वही कॉफी 300 रुपए की हो जाती है। तो आप यहां पे इस चीज को समझिए कि ब्रांड मैटर करता है। वो ब्रांड नेम से वो कॉफी 300 रुपए की हो रही है, डेफिनेटली टेस्ट में फर्क है, इंग्रेडिएंट्स में फर्क है, वो सब कुछ अलग है, बट मेन जो कॉफी है वो 30 रुपए की और 300 रुपए की जो फर्क ला रही है ना, वो ब्रांड नेम ला रहा है। तो ब्रांड वैल्यू मैटर करती है। तो इंटरनेट पे आप अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करिए। मैं आपको यही चीज बोलूंगा, अगर आपने एक बार अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी तो आप ऑनलाइन बहुत कुछ सेल कर सकते हैं। अपने बिजनेस के अंदर आप जो भी बेचते हैं या आप जो भी बेचना चाहते हैं, अभी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हो जिन्होंने अपना बिजनेस ही ना शुरू किया हो, बट अगर आप ब्रांड क्रिएशन सीख लेते हैं तो आप इंटरनेट पे कुछ भी सेल कर पाएंगे। अपनी ई बुक सेल कर पाएंगे, अपना कोर्स सेल कर पाएंगे, अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। आपका कोई प्रोटीन कल को आप लॉन्च करते हैं या आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत तेजी से पॉपुलर हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने काइली जेनर का नाम सुना होगा, यस। इंस्टाग्राम पे आप इनके फॉलोअर्स देखिए, काइली जेनर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया, काइली कॉस्मेटिक्स, एंड ये वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की बिलियनर बन गई। इंटरनेट पे प्रेजेंस के माध्यम से ये आज वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर है। तो वर्ल्ड यंगेस्ट बिलियनर आज इंटरनेट की वजह से। एंड अगर आज हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान की बात करें, जेफ बेजोस की, तो वो भी इंटरनेट की वजह से ही है। तो आप क्यों पीछे जा रहे हो? आप भी सीखिए ना कि इंटरनेट पे अगर ब्रांड क्रिएशन आपने सीख लिया तो आप पैसा कमा सकते हैं। काइली जेनर एक नाम है। काइली जेनर की जगह अगर मैं यहां पे अगर आपको बोलूं, अगर हम बात करें पुष्कर राज ठाकुर, तो आज इंटरनेट पे डेफिनेटली हमने एक ब्रांड क्रिएट किया। ब्रांड क्रिएशन के लिए क्या करना होता है? आपको लोगों को वैल्यू देनी होती है। आप जितनी वैल्यू देंगे आप उतनी जल्दी अपने ब्रांड नेम को ऊपर लेकर जा सकते हैं। आज हम बात करें मोटिवेशनल जॉनर के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो इन्होंने लोगों को वैल्यू दी, अपना ब्रांड को क्रिएट किया। एंड ब्रांड क्रिएट करके आज विवेक बिंद्रा जी ने लेट से अपना एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया। वो ऑनलाइन कोर्स आज हजारों लोगों ने ले लिया, तो उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए। तो आप ब्रांड क्रिएशन की वैल्यू समझ रहे हैं? ब्रांड वैल्यू है तो पैसा है, ब्रांड वैल्यू नहीं तो पैसा नहीं। तो ब्रांड वैल्यू क्रिएशन अब आपको सीखना है और ऑनलाइन करना शुरू करना। फाइनली मैं आपको यहां पे एक बहुत छोटी सी टिप और देना चाहूंगा। सेवंथ वे में, सातवें ऑप्शन के अंदर एक बहुत छोटी सी टिप दूंगा जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो, एंड दैट इज सेल योर स्किल्स। मैंने बोला सेल योर स्किल्स। देखो बहुत सारी और भी चीजें मैंने आपको बताई, हर तरीके से आपको समझना है कि ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं सब में पोटेंशियल है। एक भी काम अगर आपने आज इस वीडियो के बाद किया तो आप पैसा कमाओगे, बट मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर टैलेंट, आपके अंदर स्किल्स हैं तो अपनी स्किल्स को भी आप सेल कर सकते हो। जो freelancer.com फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, आप खुद कंटेंट राइटिंग में अच्छे हो, आप यहाँ पे अप्लाई करो। लोग आपको पर वर्ड के हिसाब से भी पे करेंगे। एक एक शब्द अगर आप लिख सकते हो तो उसका भी आप पैसा कमा सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग जानते हो, आप यहाँ पे अपने आप को डिजिटल मार्केटर, आप एज अ SEO एक्सपर्ट अपने आप को रजिस्टर करो, लोग आपको अपनी वेबसाइट के SEO कराने के पैसे देंगे। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो, आप पैसा कमा सकते हो। आप इसके अलावा आपको क्या आता है? आपको लैंग्वेज आती है, मैं आपको लैंग्वेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ। आप इस लैंग्वेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को देखिए, आप यहाँ पे हिंदी सिखा सकते हो लोगों को और हिंदी सिखा के पैसा कमा सकते हो। बस ऑनलाइन आपको डिस्कवर करना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आपको जो भी आता है, आपको बोलना आता है, आप फाइवर पे जाके आप बोलिए जिस भी लैंग्वेज में आपको आता है। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप उसके पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई भी टैलेंट है ना तो टैलेंट वेस्ट नहीं जाएगा। तो फ्रॉम स्टार्टिंग विद यूट्यूब, आप अपने टैलेंट को यूट्यूब पर दिखा के, टू फाइवर एंड फ्रीलांसर, आप देखिए अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी हैं। और मैंने तो अभी आपको सिर्फ 7 तरीके बताए। इन 7 तरीकों को आज ही आप स्टेप बाय स्टेप, एक पहले तो एक नोटबुक में नोट कर लो कि ये तरीके हैं, मुझे क्या करना है, आपको डिसाइड करना है, एंड आप करना शुरू करो। देखो मेरी ट्रेनिंग का फायदा तब है जब आप इंप्लीमेंट करो। अगर आपने सीखने के बाद उस पर एक्शन नहीं लिया तो वेस्ट है। तो आपको एक्शन जरूर लेना है जो आपने आज सीखा, एंड ऑनलाइन आप पैसा कमाना शुरू करो। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे आपने ये जो तरीके सीखे, ये 7 तरीके सीखे, ये आपने शॉर्ट में डेफिनेटली आपको पता लगा कि इतना कुछ हम कर सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा,
कि इसी के ऊपर अभी आपको ना डिटेल में ट्रेनिंग लेने की भी जरूरत है, क्योंकि आप करोगे आप बहुत गलतियां करोगे। YouTube पे वीडियो डालते ही आपकी वीडियो पहले दिन हिट नहीं होगी, आप बहुत सारी गलतियां करने वाले हो। अभी आपको टैग्स के बारे में, मेटा टैग्स के बारे में, वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाने हैं इसके ऊपर, ज्यादा व्यूज कैसे लाने हैं इसके ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं है। आपको अभी बहुत सारे सीक्रेट टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, एंड जानकारी आपको हमेशा एक एक्सपीरियंस पर्सन दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अब एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। उसके साथ साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग में भी बहुत सारी गलतियां करोगे, आपके कमीशंस को सस्पेंड भी कर देते हैं, इवन अमेज़न भी कमीशंस को सस्पेंड कर देता है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता और एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई डेफिनेटली आप कर सकते हो अपने तरीके से, एक्सपीरियंस आप हिट एंड ट्रायल करके पैसा कमा सकते हो, बट अगर आप मेरा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, वो एक्सपीरियंस मैंने तब लिया है जब मैंने सालों लगाए हैं ऑनलाइन, एंड सालों ऑनलाइन मेहनत करने के बाद आज मैं आपको एज अ बिजनेस कोच सब कुछ सिखा सकता हूँ, डिटेल में सिखा सकता हूँ कि आप कैसे डेफिनेटली शॉर्ट पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन, एंड क्या गलतियां आपको नहीं करनी, जो जानकारी आपको लेनी जरूरी है वो कैसे लोगे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां तक आपने काफी कुछ सीखा, बट अगर आप डिटेल में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने आपके लिए स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड के लिए, जहां पे लोगों को पैसा कमाना बहुत जरूरी है, एक ट्रेनिंग लॉन्च किया है जिसका नाम है अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग्स। यस, अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग्स हमारा नया ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोगों को इस सिचुएशन में स्पेसिफिकली कैसे पैसा कमाना है, क्या टेक्निक्स उन्हें यूज करनी है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, क्या गलतियां नहीं करनी जो लोग करते हैं, और आपको कैसे एडवांटेज मिलेगा कि आपको शॉर्ट अर्निंग्स आए। तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग लॉन्च किया अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग्स। मैं बताना चाहूंगा एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में आपको एग्जैक्ट काम की इंफॉर्मेशन मिलना जिसे अप्लाई करके आप पैसा कमाओगे। तो अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग्स हमारा नया ट्रेनिंग है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये ट्रेनिंग, वैसे तो मैंने बोला एक्सपीरियंस की कोई कीमत ही नहीं, जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, आज मैंने ऑनलाइन करोड़ों रुपए कमाया, उसके बाद मैं आपको जो सिखाने वाला हूं इसकी कोई आप वैल्यू नहीं लगा सकते, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो कोर्स है ये सिर्फ 10,000 रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यस, जस्ट 10,000 रुपीज का इसका कॉस्ट रखा है मैंने, और स्पेशली आप इस मास्टर क्लास के अंदर हैं, एंड मैं समझ सकता हूं इस वक्त लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, मुझे उनकी दिल से मदद करनी है, तो अभी इस कोर्स को मैं स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस पे दे रहा हूं। मतलब मुझे इसमें अभी कुछ प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, जो हमारे बैंडविड्थ के चार्जेस हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म के चार्जेस हैं, सिर्फ अभी हम उसी कीमत में ये ट्रेनिंग कोर्स आपको दे रहे हैं। और वो ट्रेनिंग कोर्स जो मैंने बोला कि अगर हम 10,000 रुपए का ऑनलाइन सेल कर रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि आप मास्टर क्लास के अंदर आप यहां तक मेरे साथ बने हुए हो, मैं आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूं, और उस प्रोमो कोड के साथ आपको इस कोर्स के ऊपर 7,000 रुपए का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। बट ये स्टार्टिंग के सिर्फ कुछ ही लोगों को हम दे रहे हैं। तो प्रोमो कोड मैं आपको बता देता हूं, प्रोमो कोड है आपका मास्टर क्लास 1000। आपको मास्टर क्लास 1000 प्रोमो कोड अप्लाई करना है। क्या करना है आपको, इसके बाद जो नीचे लिंक दिख रहा है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको कोर्स की वैल्यू 10,000 ही दिखेगी, बट 10,000 रुपीज आपको पूरे पे करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही चेकआउट करोगे और प्रोमो कोड अप्लाई करोगे मास्टर क्लास 1000, तो शुरुआत के कुछ लोगों को हम मास्टर क्लास 1000 प्रोमो कोड अप्लाई करते ही ये पूरा कोर्स सिर्फ 3,000 रुपए का देगा। एंड अभी आपके पास मौका है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा ये ट्रेनिंग कोर्स इतना सस्ते में लेने का, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में अर्ली बर्ड डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। आपको 10,000 रुपए की ट्रेनिंग से 3,000 की मिल रही है। आप अभी के अभी आप नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करो, यस आई वॉन्ट द कंप्लीट कोर्स, एंड कोर्स को जब आप लेने जाओगे प्रोमो कोड पर अप्लाई करो मास्टर क्लास 1000, एंड अब आप डिटेल में सीखना शुरू करो कि क्या क्या करने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला एक क्रैश कोर्स है, तो सिर्फ 10 दिन, यस सिर्फ 10 दिन लगेंगे आपको अपना ऑनलाइन इनकम बिल्ड करना शुरू करने में। सो 10 डेज आप अब मेरे साथ गुजारने वाले हो उस क्रैश कोर्स में जिसका नाम है अनलॉक योर ऑनलाइन इनकम। एंड इस कोर्स का आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि वो अगर ब्रांड क्रिएशन सीख जाएंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कितना पैसा कमाएंगे मुझे, मैं अभी अंदाजा नहीं लगा सकता, बट मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं,
ये ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद आप सिर्फ महीने के 20,000 रुपए या 30,000 रुपए कमाते हो। तो अगर आप 20-30,000 की इनकम पे पहुंच जाते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इनकम बढ़ेगी भी, बट 20-30,000 रुपए महीना कमाना भी साल के 2-3 लाख रुपए होते हैं। तो अगर आप यहां पे 3,000 रुपए में, अभी मैंने बोला सिर्फ 3,000 रुपीज में भी ये सीख जाते हो कि 20-30,000 रुपए की इनकम पे भी कैसे पहुंचना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। सो यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, गेट इन टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग्स। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ वही लोग चाहता हूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सच में अब सीखना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कैसे बढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग्स को एक्चुअल में कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेकर आ सकते हैं। तो अगर आपने सोच लिया कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग्स करनी है, तो अभी के अभी जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो ये मास्टर क्लास 1000 जो आपको प्रोमो कोड दिख रहा है, ये बस अभी शुरुआत में कुछ ही लोगों के लिए वैलिड है। तो आप एक बार चेक कर लो, अगर गलती से भी अगर आपका ये मास्टर क्लास 1000 प्रोमो कोड लिंक काम कर रहा है तो तुरंत आप कोर्स को ले लेना, क्योंकि उसके बाद ये जो आपका मास्टर क्लास 1000 प्रोमो कोड है ये इनवैलिड दिखाएगा कुछ टाइम के बाद। तो इनिशियली बस कुछ लोगों के लिए हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट में दे रहे हैं ये, अगर आपका प्रोमो कोड काम कर रहा है तो आप लकी हैं। अभी के अभी आप इस कोर्स को ले लीजिए, बिकॉज ये कोर्स आपके लिए एक सफलता की चाबी साबित होने वाला है। बिकॉज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, आप मेरे एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऑनलाइन जब आप कदम रख रहे हो तो आप एक एक्सपीरियंस के साथ रखोगे तो आप डेफिनेटली सफलता हासिल करने वाले हो। सो 10 डेज की एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होने वाली है, जैसे मैंने बोला क्रैश कोर्स है, आप क्रैश कोर्स करने वाले हो। तो अपनी ऑनलाइन अर्निंग्स को अभी के अभी शुरू कीजिए, देयर इज नो एक्सक्यूज राइट नाउ। सो अगर 10,000 रुपीज में भी ये कोर्स सस्ता है, प्रोमो कोड अप्लाई हो रहा है एंड आपका वैलिड आ रहा है, आप पूरा कोर्स लीजिए एंड आप अब अपने सफलता के सफर को अभी के अभी शुरू कीजिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, मेरा नाम पुष्कर राज ठाकुर है एंड मैंने अपनी जिंदगी में ना वो सारे सेटबैक्स देखे। मैंने जब अपना जन्म लिया, मेरा जो परिवार था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ एंड शुरुआत में मेरे पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं थी। मैंने बहुत चैलेंजेस फेस करे अपने इनिशियल स्टेजेस में, बट मैंने जो जीरो से सफर शुरू किया, इनफैक्ट मैं बोलता हूं मैंने माइनस से सफर शुरू किया, क्योंकि जब मैंने अपना सफर शुरुआत करी थी सफर की, तब उस टाइम पे मेरे फादर के ऊपर लोन्स थे। तो मेरा जो सफर शुरू हुआ बिजनेस जर्नी, 17 साल की उम्र से मैंने अपने बिजनेस को शुरुआत दी एंड उसके बाद कई साल मुझे लगे अपने आप को, अपनी फैमिली को स्टेबल बनाने में, फादर के लोन्स रीपे करने में और उसके बाद अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने में। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एक चीज समझ आती है कि जो मैंने कमाया है ना सबसे बढ़कर, वो है एक्सपीरियंसेस। एंड शुरुआत में मेरे पास कोई नहीं था मुझे वो एक्सपीरियंसेस देने के लिए। डेफिनेटली मैंने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है, बट मैं उतना भी टाइम अब आपको नहीं लगने देना चाहता। मैं चाहता हूं उससे भी कम टाइम में बहुत तेजी से आगे बढ़े। आज हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हजारों लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो सीखना चाहते हैं कि वो कैसे आगे बढ़े। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अभी तक नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, बट इस ट्रेनिंग कोर्स में वो आप सारी की सारी कमी पूरी करने वाले हो। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए एंड आप हाथ थामिए, बिकॉज अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, अब आप कामयाब होने वाले हैं एंड नोबडी कैन स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, सिवाय एक इंसान के, और वो हो आप। So if you want to change your life, you want to unlock your online earnings, तो अभी के अभी इस ट्रेनिंग कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, आप प्रोमो कोड अप्लाई कीजिए एंड लिंक जो नीचे उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ आई विल सी यू इन द कोर्स एंड हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आप डिटेल जानकारी के लिए तैयार हो जाओ। Yes, आप ये मत सोचिएगा कोर्स में अगर आप आ गए हैं तो आपको अब एक्शंस नहीं लेने। अब जो आप सीखोगे उसमें तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्शंस लेने वाले हो, आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। इस मास्टर क्लास में भी बहुत सारी जानकारी मिली है, तो इतनी जानकारी को भी आप अप्लाई कर सकते हो। नो डाउट आपने इस मास्टर क्लास में इतना कुछ सीखा है कि इसे ही अगर अप्लाई कर लिया तब भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। टाइम ज्यादा लगेगा, हिडन ट्रायल करोगे, हो सकता है हो सकता है ना हो, बट डेफिनेटली काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। बट अगर आपने एक्सपीरियंसेस से सीखा
तो आपको वो ठोकर नहीं मिलेगी, आपको टाइम कम लगेगा एंड वैल्यू होती है टाइम की। तो आप अपने आप टाइम की वैल्यू कीजिए, अभी के अभी जो नीचे लिंक है उस पर क्लिक कीजिए एंड गेट इन टू द कोर्स राइट नाउ। अब आई विल सी यू इन द कोर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मास्टर क्लास। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे इतनी ज्यादा खुशी है कि आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं यहां पे, तो एक चीज क्लियर है कि आपके अंदर वो आग है आगे बढ़ने की। एंड सबसे जरूरी होता है वो आग का होना। अपने वाई को याद कीजिए कि आपको पैसा क्यों कमाना है, एंड अब पैसे कमाने के अपने सफर को शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ मेड बने, आगे बढ़ें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस देश के लिए कुछ बड़ा कर दिखाएं। एंड विद दिस आई विल एंड अप दिस मास्टर क्लास। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन द कोर्स, अब आपको प्रोसीजर पता है। एंड मैं चाहता हूं यू बिकम सक्सेसफुल, यू गो सेल्फ मेड। So thank you so very much for joining, and I will see you in the course now. Till that time, you go self-love.